क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार। सर आज आप जो नोएडा सेक्टर 81 की जुग्गी झोंपड़ियों में पहुंचे हो, क्या क्या प्रोग्राम है सर आज आपका यहाँ पे? हमने 2-3 दिन पहले सर्वे किया था, देखा तो यहाँ पे बहुत ज़रूरतमंद लोग बाग हैं, तो उनके लिए कुछ कपड़े खिलौने बच्चों के लिए और कुछ कपड़ों की ज़्यादा है, कुछ राशन भी पीछे अभी कल दिया था इनको प्रेगनेंट लेडीज, तो उसी मकसद से हम लोग सारे यहाँ पे आए हुए हैं। सर किसी एनजीओ से आप लोग बिलोंग करते हो? जाए हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं और हमारी ये ग्रीनेस की फोर्स है जो कि वर्ल्ड की नंबर वन फोर्स है आज की डेट में, जहाँ पे भी कहीं भी किसी भी टाइप की कोई भी आपदा आती है वहाँ पे ये खड़े मिलते हैं। सर आज के समय में कोई किसी के लिए नहीं सोचता, कोरोना जैसे काल में तो कोई भी किसी से बात तक नहीं करता, आप लोगों की ऐसी सोच क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके लिए जो हमारे गुरु हैं डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम जी इंसा, हमको उन्होंने इस टाइप की शिक्षा दी है, अब बेटा अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरे के लिए जीना ही इंसानियत है, तो उसी मकसद से हम लोग ये सेवा में आए हुए हैं। सर और भी कुछ ऐसे गरीबों के लिए आप लोग काम करते हैं? जी हमेशा ये तो करते रहते हैं, अभी पीछे 40 परिवारों को राशन दिया और परसों कल 10 परिवारों को प्रेग्नेंट लेडी थी उनके लिए भी पौष्टिक आहार वगैरह की हमने जननी सत्कार के थ्रू एक प्रोग्राम है हमारा, उसके थ्रू हमने राशन दिया उनको। सर आपकी ब्रांच है जो वो नोएडा में है या कहीं और पर भी? ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है जी, जो मैन हेड ऑफिस है, बाकी जगह जगह हर मतलब जगह जगह हर ब्लॉक बने हुए हैं हर जिले के अंदर, वहाँ पे सब जगह ये ब्रांच है हमारी। समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हो सर इसके? समाज को तो ये प्रेरणा चाहते हैं अगजी गरीब आदमियों की सेवा करो और जिससे कि भला, ये जो हमको मनुष्य योनि मिलती है ये मिलती ही सिर्फ इसलिए कि अच्छे कर्म करके और आवागमन से मुक्ति पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये नोएडा सेक्टर के जो नोएडा ब्रांच के जो डेरा सच्चा सौदा के लोग हैं उनसे हमने आप बातचीत करवाई, उनसे आपको दिखाया कि किस तरीके से ये लोग आज पहुँचे हैं झुग्गी झोंपड़ी में इनकी मदद करने के लिए। इनको पहले इनका कहना है कि काफ़ी ऐसे लोगों को इन्होंने खाना भी दिया है, राशन भी दिया है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो जननी सत्कार के तहत भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं और लगातार ये ऐसे काम कर रहे हैं और आज इसी मुहिम में ये बच्चों के लिए खिलौने, बुक्स और उनके लिए कपड़े और चप्पलें वगैरह लेकर आए हैं।